पैनोरामिका बिहार की 25 खबरों के साथ आज है 12 अक्टूबर, तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। एयर इंडिया के देरी से भुगतान पर तेल कंपनियों ने ईंधन देने से किया मना। एयरपोर्ट पर ईंधन के विषय में तेल कंपनियों ने एयर इंडिया को महीने का एक मुश्त भुगतान 18 अक्टूबर तक करने को कहा है। कंपनियों ने चेताया है कि इसके अनुसार भुगतान नहीं करने पर 6 घरेलू एयरपोर्ट पर ईंधन रोक दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले महीने 22 अगस्त को पटना सहित कोची, मोहाली, पुणे, रांची एवं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की ईंधन आपूर्ति रोकी जा चुकी है। पटना में जल जमाव को लेकर सीएम नीतीश करेंगे बैठक। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को पटना में जल जमाव को लेकर होगी बैठक, जिसमें वे आला अधिकारियों के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना नगर निगम के अधिकारियों की भी बैठक होगी, जिसके अंतर्गत सड़क के 10 फुट नीचे नालों का नक्शा व केबल के कॉपी फोटो का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इसकी जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दी है। अब मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए होगा जनता के द्वारा सीधा चुनाव, जिसमें अब निर्वाचित मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ 5 सालों में सिर्फ एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से इनके चुनाव में वार्ड मेयर व डिप्टी मेयर के चयन के लिए वार्ड सदस्यों की वोट की जरूरत नहीं होगी एवं आम जनता उनका चुनाव करेंगी। बता दें कि नगर विकास विभाग द्वारा राज्य के 143 राज्यों में इन पदों के लिए सीधे चुनाव पर अंतिम चरण की तैयारी हो चुकी है। विभाग की तरफ से मेयर व डिप्टी मेयर के सीधे चुनाव को लेकर विकास एवं प्रबंधन संस्थान से भी इस प्रस्ताव को लेकर अध्ययन कराए गए हैं, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। जदयू के नेता अजय आलोक ने कहा, अगर पार्टी को मुझसे असहजता है तो मुझे निकाल दें। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने ट्विटर के जरिए कहा है कि आलोक पार्टी प्रवक्ता नहीं है एवं उनका बयान पार्टी के आधिकारिक नहीं है, साथ ही यह उनकी निजी राय हो सकती है। जिसके संबंध में जवाब देते हुए जदयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने के बयान पर मैंने अपने पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके बावजूद अगर पार्टी को मुझसे असहजता हो गई है तो मुझे निकाल दे या फिर कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे महिमा मंडन से पार्टी का नुकसान है। पटना से अमृतसर जाने के लिए एयर इंडिया ने शुरू की सीधी फ्लाइट। आपको बता दें कि सूचना के अनुसार पटना से अमृतसर के लिए एयर इंडिया का AI-725 विमान सप्ताह में 4 दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को सीधी फ्लाइट पहली बार 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जो कि यात्रियों को काफी राहत देने वाली होगी एवं इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह फ्लाइट सुबह पटना से 10:25 पर उड़ान भरेगी एवं दोपहर 12:35 पर अमृतसर पहुंचेगी, जिसके बाद दोपहर 2:55 पर अमृतसर से उड़ान भरकर शाम 5:10 पर पटना पहुंचेगी। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की तरफ से कला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही, जिसमें 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक शिल्पन विद्या के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा निर्मित नमूनों में 20 उत्कृष्ट नमूनों कला का चयन कर राज्य पुरस्कार दिया जाएगा एवं 20 का चयन राज्य अवार्ड के लिए होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 28 अक्टूबर तक अपने बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो सहित आवेदन पत्र भरकर संस्थान परिसर में जमा करना होगा। बता दें कि इसमें 10 से 19 नवंबर तक मिथिला पेंटिंग की भी प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही लाह कला, पेपर मेसी, मंजूषा कला, एप्लिक कसीदा, सुजनी शिल्प, ब्लॉक पेंटिंग, मेटल क्राफ्ट, बांस बेत कला आदि एवं टेरा कोटा, पाषाण शिल्प, टिकुली पेंटिंग, जूट क्राफ्ट, कास्ट कला, सिक्की शिल्प एवं अन्य शिल्प भी शामिल हैं। बिहार पुलिस की पहचान का अब बदलने वाला है स्लोगन। सरकार द्वारा बिहार पुलिस के पहचान स्लोगन बरगद के पेड़ को बदलने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बिहार में आधुनिक पुलिसिंग की शुरुआत 1862 में की गई थी एवं इस स्लोगन को बिहार में 1912 में लागू किया गया था। इसकी पहचान बरगद के पेड़ से होने का उद्देश्य था जनता को सुरक्षा का संदेश देना, जिसके साथ ही पेड़ की जड़ के पास भी पुलिस के बल एवं लटकते पत्ते छायादार जो कि सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं। नीले रंग के फ्लैग पर पीले रंग का बरगद का पेड़ बल्ब एवं नीचे भी नदी बहती दिखाई दे रही है, जिससे अब और भी प्रभावशाली स्लोगन के साथ आधुनिक, जन उपयोगी, निरंतर, कार्यशील, नए आयाम एवं सर्वसुलभ की संदेश देने वाला बनाए जाने पर काम किया जा रहा है। बिहार की शाही लीची का नाम KBC-11 के जरिए देश दुनिया में पहुंचा। बता दें कि KBC-11 में झारखंड के डाल्टनगंज की रहने वाली प्रतिभागी दीप ज्योति से दूसरे राउंड में शाही लीची के बारे में पूछा गया। इस सवाल में पूछा गया कि अक्टूबर 2018 में किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत मिले थे। ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा था, जिसके जवाब में दीप ज्योति ने सूझबूझ दिखाते हुए सही जवाब बिहार दिया था। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने शाही लीची की विशेषता बताते हुए कहा कि यह लीची उत्तर बिहार में पाई जाती है एवं इसका उत्पादन मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली व समस्तीपुर क्षेत्र में होता है।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जल जमाव के लिए एनडीए हैं जिम्मेदार। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजधानी में जल जमाव के लिए सीएम नीतीश कुमार की पूरी जवाबदेही है, लेकिन इसके साथ ही भाजपा सहित एनडीए जिम्मेवार है। सरकार ने 15 सालों में कुछ नहीं किया, अब तो नीतीश कुमार भी अगले साल विदा होने वाले हैं, इसके पहले तो कुछ अच्छा उन्हें करना ही चाहिए। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जनता का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान जल जमाव व अन्य समस्याओं पर न जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में सब ठीक ही है एवं जो गड़बड़ी है उसे दूर किया जाएगा। पटना अवशेष प्रबंधन पर पटना में आयोजित होगा विश्व भर के वैज्ञानिकों का सम्मेलन समारोह। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 14 एवं 15 अक्टूबर को पटना के ज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में बिहार के 400 किसानों के साथ अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के वैज्ञानिक शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत फसल कटाई के बाद क्षेत्रों में बचने वाले अवशेषों के प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इसका आयोजन किसी विभाग एवं किसी विश्वविद्यालय सबोर द्वारा किया जा रहा है एवं इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार के 10 सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने विभिन्न कमेटियों में सदस्य बनाया। बिहार के 10 सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने विभिन्न कमेटियों के अंतर्गत सदस्यों के नाम घोषित कर दिया है, जिसमें राजद कोटे से राजद सुप्रीमो लालू की बेटी मीसा भारती को सशक्त कमेटी का सदस्य बनाया गया है एवं जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को वेतन भत्ता कमेटी में जगह दी गई है। लोजपा के सांसद पशुपति पारस को आश्वासन समिति का, लोजपा खगड़िया के सांसद महबूब अली एवं भाजपा मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव को सदन के पटल पर पत्रों की कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं, जबकि पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव को अधीनस्थ विधान समिति एवं महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एवं महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को प्रिविलेज कमेटी में बतौर सदस्य, जदयू से बांका सांसद गिरधारी यादव को एथिक्स कमेटी में, सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को नियमन कमेटी सदस्य एवं बीजेपी औरंगाबाद से सांसद सुशील कुमार सिंह को आवेदन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, सुशासन का दावा हर क्षेत्र में फेल दिख रहा। राजद नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा शब्द बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार मानवता, इंसानियत व शर्म जैसे शब्द भूल गए हैं एवं उन्हें अपने प्रशासनिक डिक्शनरी से डिलीट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे शासन चला रहे हैं एवं वे खुद ही सब जगहों पर शासन कर रहे हैं। खास तौर पर सुपौल में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद भी वे अपने सुशासन का दावा कर रहे हैं। लोक जननायक जयप्रकाश नारायण की 117वीं जयंती मनाई गई। 11 अक्टूबर को लोक जननायक जयप्रकाश नारायण की 117वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में बिहार सरकार द्वारा पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित जयप्रकाश की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित कई मंत्री एवं नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीपीएससी के परीक्षा केंद्रों में किए गए बदलाव, जाने कौन कौन। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 3 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए गए हैं, जिसकी परीक्षा 15 अक्टूबर को होनी है। बता दें कि खगड़िया, मुजफ्फरपुर और आरा में एक एक परीक्षा केंद्र में बदलाव किए गए हैं, जिसे लेकर परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से केंद्र में बदलाव किए जा रहे हैं। सूची के अनुसार क्रमांक, जिला, प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र एवं परिवर्तित परीक्षा केंद्र हैं। 314091 से 314890 तक जिला खगड़िया का SLDAV पब्लिक स्कूल, जिसका परिवर्तित सेंटर राजेंद्र नगर सीताराम मेमोरियल उच्च विद्यालय सनहौली खगड़िया में। क्रमांक 103521 से 104020 जिला मुजफ्फरपुर के MBL इंटर कॉलेज, जिसका परिवर्तित सेंटर MBL कॉलेज है। 449431 से 449950 तक जिला आरा आर्यन रेजिडेंशियल स्कूल 0 माइल, जिसका परिवर्तित सेंटर आरा आर्यन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल गोरहाना रोड आरा कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन की तारीख बढ़ी। प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक नियोजन आवेदन के लिए अंतिम तारीख 17 अक्टूबर से बढ़ाकर बाढ़ की वजह से 9 नवंबर कर दी गई है। इस विषय में DPO स्थापना जनार्दन विश्वास ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में जमा कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है एवं जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं जमा किया है वे 9 नवंबर तक कर सकते हैं। बिहार के जमुई की बेटी बेबी लड़कियों के लिए बनी प्रेरणा।
जमुई स्थित श्यामा प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय से स्नातक कर रही बेबी को इसी वर्ष प्लान इंडिया की तरफ से यूथ वॉलंटियर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बेबी प्रोत्साहन राशि से खुद तो पढ़ रही है, साथ ही दूसरी लड़कियों को भी पढ़ा रही है। बेबी को पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कनाडा दूतावास में 11 अक्टूबर 2018 को एक दिन का उच्चायुक्त भी बनाया जा चुका है। बेबी वो लड़की है जिन्होंने गरीबी रेखा में रहने के बावजूद बाल विवाह का विरोध कर खुद की शादी तो रोकी ही, साथ ही कई किशोरियों को भी बाल विवाह से बचा चुकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम दुनिया के डिजिटल गवर्नेंस 100 लोगों में हुआ शामिल। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावी 100 लोगों में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कार्य कर रहे बिहार के पटना से सांसद व केंद्रीय मंत्री केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को सूची में शामिल किया गया है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए गिरिराज सिंह ने निकाली पदयात्रा। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए निकाली पदयात्रा। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के मुकाबले हमारे पास संसाधन सीमित है, इसलिए भारत को सशक्त व विकसित बनाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद ही जरूरी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कानून नहीं बनाए गए तो देश की आबादी अनियंत्रित हो जाएगी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बोले, पटना में जल जमाव की जांच समिति का गठन नहीं हुआ। बता दें कि पहले खबर मिली थी कि पटना में जल जमाव की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जो कि जांच के बाद टीम ही तय करेगी जल जमाव के लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही स्पष्ट उल्लेख के साथ एक सप्ताह के भीतर ही जांच रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन इसके बाद अब नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा टीम का गठन किए जाने की बात को लेकर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बातचीत के दौरान कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई गठित समिति नहीं बनाई गई है। पिछले वर्ष की तुलना प्रदूषण का स्तर इस वर्ष कम रिकॉर्ड किया गया। बीते वर्ष अक्टूबर की अपेक्षा इस वर्ष वायु प्रदूषण की मात्रा में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब अक्टूबर महीने में होने वाली दिवाली पर आतिशबाजियों से प्रदूषण रोकने के लिए हरित दिवाली के प्रति बच्चों को प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि बीते वर्ष अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 12 गुना अधिक रिकॉर्ड किया गया था। देश के अनेक राज्यों व जिलों सहित बिहार में भी खुले केंद्रीय विद्यालय। भारत के अनेक राज्यों में 21 केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2019 को किया गया, जो कि देश के अलग अलग राज्यों के जिलों में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बिहार में भी केंद्रीय विद्यालय अररिया के नाम से अररिया में उद्घाटन किया गया। बता दें कि अभी देश भर में कुल 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें करीब 12,92,767 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बड़ी समीक्षा के तहत जीएसटी का बदल सकता है रेट। केंद्र सरकार जीएसटी को लेकर सबसे बड़ी समीक्षा के तहत फिर से जीएसटी की स्लैब और दरें तय कर सकती है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने और लीकेज को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इसका कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के 12 अधिकारियों की एक कमेटी को सौंपा गया है। बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहले छठे महीने में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में 5% की कमी आई है। इसका लक्ष्य 13% ज्यादा का था। पैक्स चुनाव 2019 की मतदाता सूची प्रक्रिया हुई शुरू। प्रबंधन कारिणी समिति निर्वाचन के लिए 12 से 14 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन लिया जाएगा, जिसके लिए संविच्छा की तिथि 15 से 16 अक्टूबर तक 11 से 3 बजे तक रखी गई है। साथ ही नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन 18 अक्टूबर को होगा। आवश्यकता के अनुसार 25 अक्टूबर को 7 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक मतदान एवं तुरंत बाद मतगणना कार्य भी किया जाएगा। अनिल कुंबले आईपीएल 2020 के टीम में मेन कोच बने। आईपीएल 2020 में पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले कोच की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें प्रमुख कोच बनाया है। टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले को गुरुवार को फ्रेंचाइजी की बोर्ड की बैठक के बाद कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2020 में एकमात्र भारतीय मुख्य कोच कुंबले को आईपीएल नीलामी से पहले कोच नियुक्त किया गया है, जो कि कोलकाता में 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अनिल कुंबले इससे पहले मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटर रह चुके हैं। राजद सुप्रीमो पूर्व सीएम लालू ने सीएम नीतीश को बनाया बिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक लाइन का ट्वीट कर सीधा नीतीश कुमार पर कहा है कि बिल्ली ही दूध की रखवाली कर रही है, जो कि उन्होंने पटना में हुए जल जमाव को लेकर सरकार की तरफ से जांच की बात पर कहा है। बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी ने भी कहा था कि अब नेताओं द्वारा सीवर ड्रेनेज सिस्टम स्मार्ट सिटी गंगी योजना आदि के नाम पर करोड़ों रुपए डकार कर सीएम नीतीश कुमार व सुशील मोदी अब इसकी जाँच करेंगे, जिसके बाद अब लालू ने भी अपनी बात कह डाली है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।